सीसीटीवी में कैद हुए बैंक मित्र का 4 लाख कैश लूटने वाले बाइक सवार लुटेरे। यूपी में पुलिस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के चाहे लाख दावे कर ले, पर धरातल पर ये दावे कहीं ना कहीं फेल होते नजर आते हैं। बदमाशों के हौसले यूपी में बुलंद। बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला यूपी के जिला संभल का है, जहां बैंक मित्र की बाइक गिराकर नकाबपोश लुटेरों ने 4 लाख रुपए लूटे। रिपोर्ट में देखिए। जी पोशाकी, ये घटना के बारे में बताएंगे, क्या घटना है? जी मेरा नाम पोशाकी है, मैं पीएनबी मिनी ब्रांच शाखा पतरिया पर कार्यरत हूँ, जो कि मैं 26 तारीख के लिए जुनावी मेन ब्रांच में कैश लेने गया। वहाँ से मैंने कैश अपने 4 लाख रुपए करंट अकाउंट से निकाल कर मैं लेके आ रहा था। उसी रास्ते में कहाँ के लिए के आ रहे थे? पतरिया के लिए लेके आ रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पतरिया पर लेने बसीटा से निकलते ही 3 युवक अपाची मोटरसाइकिल के साथ, उनके मुंह पर डाँठे लगे हुए दो के और एक के हेलमेट था, जो बाइक चालक था उसके हेलमेट था। वो उन्होंने मेरे को डांटा फटकारा, फिर भी मेरे हाथ में हाथ मारा, फिर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं होने दिया। फिर उन्होंने पैर में मेरे बाइक में पैर मार के मेरी मोटरसाइकिल खंदी में गिरा दी। मेरे से मेरे बैग में रखे हुए 4 लाख रुपए मेरे से छीन ले गए। क्या हथियारबंद थे वो लोग? हाँ, दो तमंचे थे, जो कि दो नीचे उतरे थे, दोनों पे भी तमंचे थे। मेरे साथ एक कांस्टेबल एच जी होमगार्ड पुलिस चौकी पतरिया से तैनात, वो भी मेरे साथ थे, राकेश कुमार जी। उन्होंने उनको भी तमंचे के बल पर उन्हें रपटा दिया। अच्छा, आपने पुलिस को तहरीर दी है? मैंने पुलिस को तहरीर थाना अध्यक्ष थाना प्रभारी गिन्नौर कोतवाली को दिए है। अच्छा, पुलिस क्या क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस इसमें एक जुटी हुई है।